चलिए आज हम लोग क्लास 11th के अंदर हमारी एलगी चल रही थी और एलगी के अंदर हम लोगों ने दो क्लासें कंप्लीट कर ली थी। पहली थी हमारी क्लोरोफाइसी और दूसरी फियोफाइसी। अब लास्ट वाली हमें बताना है, यानी जिसका नाम है हमारा रोडोफाइसी। और रोडोफाइसी का कॉमन नाम होता है लाल शैवाल या रेड एलगी कहते हैं। तो हमारी तीसरी क्लास रहेगी आज की रोडोफाइसी, और रोडोफाइसी को ही हम लोग कहते हैं रेड एलगी। तो हर एक चीज जिस तरीके से उनके सारे कैरेक्टर लिखे हैं, यहां पर भी उन सभी कैरेक्टर हमें लाल शैवाल के बारे में भी लिखना होगा। तो ये रेड एलगी है। अब सबसे पहले इनका लिखना होगा हमारे वास स्थान कि ये कहां पर पाए जाते हैं। तो वास स्थान का पता है, तो बताया है कि एलगी का मतलब ही होता है समुद्री खरपतवार। कहने का मतलब यह है अधिकतर ये किसके अंदर पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं। अब जल भी कौन कौन से प्रकार का होता है, एक स्वच्छ जल होता है, एक जो है हमारा खारा पानी होता है। तो लिखेंगे ये स्वच्छ जल व खारे पानी दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। ये वास स्थान के बारे में बात हो गई। अगला इनका जानेंगे शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन, और शारीरिक संगठन में क्या होते हैं, अधिकतर ये कैसे होते हैं, बहुकोष्ठी। तो लिखेंगे अधिकतर ये बहुकोशिकीय होते हैं, अधिकतर ये बहुकोशिकीय होते हैं और जो कुछ होते हैं उनका जो शारीरिक संगठन होता है बहुत जटिल होता है। तो कुछ का शरीर जटिल संगठन से बना होता है। तो पहले नंबर पर हम लोगों ने वास स्थान के बारे में जाना, फिर शारीरिक संगठन के बारे में जाना। वास स्थान कहता है कि ये स्वच्छ जल और जो हमारा खारा पानी वाला जल है उन दोनों के अंदर पाया जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या होता है, बहुकोशिकीय होते हैं। अब आगे इसके बारे में और हम कुछ चीजें जानेंगे, फिर करेंगे इसको कंप्लीट। तो चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ेंगे अब जो इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है ये काहे की बनी होती है। तो लिखेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बनी होती है इनकी सेलुलोज, सेलुलोज, दूसरी बात पेक्टिन और पेक्टोज। अब जानेंगे कि वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं इनके अंदर। वर्णक, तो वर्णक में होता है हमारा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फिर होता है हमारा कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, फिर होता है हमारा आर फाइको इराइथ्रिन, आर फाइको इराइथ्रिन। ये वर्णक जो है उपस्थित होते हैं लाल शैवाल के अंदर, और इन्हीं वर्णक के कारण ही हमारी जो शैवाल होता है ये लाल दिखाई पड़ता है। तो इतने आप लोग जो है जो भी आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, आप लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले करेक्टर जाने। अगला है हमारा भोजन जो है किस रूप में संग्रहित करते हैं। तो भोजन संग्रहण, तो ये जो है भोजन संग्रहण करते हैं फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन स्टार्च
के रूप में। और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जो एमाइलोपेक्टिन एमाइलोपेक्टिन व सेल्यूलोज जो एमाइलोपेक्टिन और स्टार्च के क्या होता है समान होता है स्टार्च के समान होता है। तो ये भोजन संग्रहण के बारे में बात हुई। अगला हम लोग देखेंगे भोजन संग्रहण हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इनके अंदर जनन होता है तो सबसे पहले आया था हमारा काई के जनन। काई के जनन कैसे होता है विखंडन द्वारा। फिर आया था हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भैया हुआ था इनके अंदर अचल बीजाणु द्वारा। अचल बीजाणु द्वारा। फिर हम लोगों को पढ़ना है इनके अंदर लैंगिक जनन। ये हुआ था उगैमस प्रकार से। इतनी बात हम लोगों को और पढ़नी है। इसके एग्जांपल लिख लेने हैं और ये क्लास हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी रोडोफाइसिपिली। तो अब हम लोगों को इसके एग्जांपल लिखना है बाकी हमारी कंप्लीट हो। तो इसको एक बार जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा एग्जांपल। सबसे पहले है पॉलीसाइफोनिया। दूसरा एग्जांपल आता है पोरफायरा। तीसरा आता है ग्रेसिलेरिया। चौथा आता है जिलेडियम। पांचवा आता है हमारा बैटरेको स्पर्मम। इसे कहते हैं हम लोग फ्रॉग स्पान। फिर आता है हमारा छठे नंबर पर हार्वेला और ये होता है कलरलेस। तब भी इसको कहां रखा जाता है रेड एल्गी के अंदर रखा जाता है। तो इतने एग्जांपल आपके लिए इनफ हैं। तो ये छह एग्जांपल्स याद रखने हैं पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा और हमारा है ग्रेसिलेरिया जिलेडियम और इतने ही आपको याद रखने हैं पोरफायरा। चाहो तो एक और लिख सकते हो रोडमीनिया। तो ये इतने एग्जांपल आपको याद रखने हैं और ये हमारी लाल शैवाल वाली क्लास जो है पूरी कंप्लीट हो गई है। अब थैलोफाइटा हो गया। अब हम लोग पढ़ना होगा थैलोफाइटा की अगली क्लास तो उसको हम लोग चालू कर देंगे। यानी जो ब्रायोफाइटा है इसके बाद ब्रायोफाइटा को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है।